dum 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 गैजेट पर सवार चले दुश्मन से बेखौफ लड़े मुश्किलों से ये नहीं डरते प्रिंस जय दमदार वीरू प्रिंस जय दमदार वीरू प्रिंस जय दमदार वीरू प्रिंस जय दमदार वीरू क्यों मौसी, कैसा लग रहा है हमारा सर्कस? मजा आ रहा है ना? अब छोड़ो भी, मुझे नहीं देखना तुम्हारा ये बोरिंग सर्कस वर्कस। मुझे तो सिर्फ लल्लन सर्कस देखना है। हाँ? इतने सालों बाद हमारे शहर में कोई सर्कस आया है, वो भी वर्ल्ड फेमस। सुना है इसका जोशीला जोकर बड़ा कॉमेडी है, हंसा हंसा के जबड़े दुखा देता है। मुझे तो सिर्फ लल्लन सर्कस ही देखना है। तुम दोनों नहीं ले जाओगे तो कल मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, अरे अरे मौसी सुनो तो। वीरू, पता नहीं क्यों मुझे ये लल्लन सर्कस कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस जोशीले जोकर की शक्ल ही कुछ गड़बड़ झाला लगती है। कोई बात नहीं जय, एक बार जाकर देखते हैं आखिर ऐसी क्या बात है इस सर्कस में। मैं जोशीला जोकर लंठन वाला, खोल देता हूँ सबका थाला। जोकर का मेरा रूप निराला, जोशीला हूँ मैं हिम्मत वाला। जो देखे आँखों में मेरी, लग जाए उसके दिमाग में ताला। हिप्नोटाइज करके मैं हंसा हंसा के पिलाऊंगा कंगाली का प्याला। मैं जोशीला जोकर लंठन वाला, खोल देता हूँ सबका ताला। देखा वीरू, मैंने कहा था ना इस जोकर के इरादे ठीक नहीं है। आज इसके खेल में इसी को मात देंगे। मेरे पास ये हेडफोन वाले गॉगल्स है ना, और तुम्हारे पास वो कभी ना टूटने वाली स्प्रिंगिंग रोप भी तो है ना, वो भी काम आएगी। हाँ है ना, ये लो। Yeah!
अरे अरे जोशीला जोकर कब आएगा? हाँ हाँ हमें जोशीला जोकर देखना है। जोशीला जोकर, जोशीला जोकर, जोशीला जोकर। ये तो सिर्फ ट्रेलर हुआ, असली पिक्चर अभी बाकी है। मैं जोशीला जोकर लंदन वाला, खोल देता हूँ सबका ताला। तुम सब हो दोस्त मेरे, बाद में कहोगे लूट गया लुटेरे। बातों में किसी की आना नहीं, बिना कुछ दिए यहाँ से जाना नहीं। मैं जोशीला जोकर लंदन वाला, खोल देता हूँ सबका ताला। कबाब में हड्डी, प्लान किया मेरा फेल, अब मेरा गुस्सा झेल। मैं जोशीला जोखा वंडन वाला, खोल देता हूँ सबका ताला। जोशीला, तुम तो सच में ताले खोल देते हो। अब तुम किसी के ताले नहीं खोल पाओगे। आज तो छोड़ेंगे नहीं से। छोड़ो,
आज तक किसी शहर में नहीं हुआ मेरा ऐसा हाल। सारे सपने टूट गए, हो गया मैं खंगाल। मैं जोशीला जोकर लंदन वाला, खोल देता हूँ सबका थाला। आज तक तुमने बहुत लूटपाट कर ली जोशीले, क्योंकि तुम्हें हम जैसे धुरंधर कभी नहीं मिले। जय का दिमाग और वीरू का हाथ मिल जाए, हाथ बन जाए हाथ। अरे मालिक, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। अरे पैसों का इंतजाम कहीं और से करना होगा। अरे ये सेठ लोग हमेशा धोखा देते हैं, और आपकी किस्मत की नैया में तो वैसे ही छेद है। आओ चुन चुन के चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा। तेरी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलती है, कितनी बार कहा है इससे कंट्रोल में रख, वरना चुन चुन के इसके भी टुकड़े कर दूंगा, समझा? हमारा नाम है सूर्य प्रताप सिंह, और हम असिस्टेंट हैं छोटू सेठ के। इन्हीं की प्लास्टिक फैक्ट्री सूर्य नगरी में लगेगी। अरे मालिक, इसका नाम तो लंबू सेठ होना चाहिए था। मुझे तो लग रहा है ये कोई फ्रॉड है। आओ चुप 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 करो काली जबान। आओ ये लो सेनापति जीवन, डील के पैसे पूरे 1 करोड़ है। गिनना मत, सब चिल्लर है, सुबह हो जाएगी। अरे आओ चिल्लर हो या कड़क पत्ती, मुझे साफ चलेगा। छोटू सेठ, आप टेंशन मत लीजिए, सूर्य नगरी की कोई भी जगह चुन लीजिए, और एक क्या दो दो फैक्ट्री सेट कीजिए। यहाँ सब मैं संभाल लूंगा, बस किसी को इस डील के बारे में बताइएगा मत। ये हुई ना बात। गुड बाय। शुक्र है गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ वीरू, तुम्हें ही पेड़ पे लटकने का शौक था ना। अच्छा, मुझे क्या पता था वहाँ इन मधुमक्खियों का छत्ता है, और तुमने भी नहीं बताया। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी है? नहीं नहीं, नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है। मोती, तुम कब से शहद खाने लगे? वीरू वो देखो, वहाँ क्या हो रहा है, कौन है ये लोग? ये सब क्या हो रहा है? ये जगह प्लास्टिक फैक्ट्री की एक साइट है, बच्चों जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो,
चलो फुटो फुटो यहाँ से। प्लास्टिक फैक्ट्री हमारी सूर्य नगरी में। क्या सूर्य नगरी तुम्हारे डैडी की है क्या? समझ में नहीं आया। अरे जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो। नहीं, मैंने तो चुन चुन के पैसे तिजोरी में डाल दिए हैं, अब वो वापस नहीं करूंगा, पर तुम्हारी फैक्ट्री सेटअप करके रहूंगा और वो तुम्हें दोबारा नहीं रोकेंगे। मेरे रहते भला आप क्यों टेंशन लेंगे? आप लोग काम फिर से शुरू कर दो। हाँ, लग जाओ काम पे। मालिक मालिक मालिक, प्रिंस जय ने आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। छोटी सरकार, आजकल सभी राज्य तरक्की कर रहे हैं और आसपास के जितने भी राज्य हैं किसी में भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है। प्लास्टिक की फैक्ट्री लगने के बाद प्लास्टिक के डब्बों की कमी नहीं होगी। इतने प्लास्टिक के डब्बों में क्या आपको अचार डालना है गंगू जी? कुछ भी हो, हम अपने राज्य में प्लास्टिक फैक्ट्री लगवा कर और प्रदूषण नहीं फैलाना चाहते। वो तो अच्छा हुआ कि हमने उन्हें वहाँ देख लिया और उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो वापस नहीं आएंगे। अगली बार ऐसी परमिशन देने से पहले हमसे पूछ लेना जीवन जी। जी हुजूर। माफ करना हुजूर, अब तो फैक्ट्री बंद कर रहेगी। वो क्या है ना, मैंने पैसे ले लिए हैं ताकि जल्द से जल्द आपका भी सफाया कर सकूं। बाकी तो मैं सब संभाल लूंगा, हाँ सब संभाल लूंगा। प्रिंस जय, प्रिंस जय, नदी के किनारे कुछ लोगों ने खुदाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वो लोग वहाँ पर प्लास्टिक की फैक्ट्री बनाने वाले हैं। हमने रोकने की कोशिश की पर उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं सरकार। प्रिंस जय, लगता है ये अंडरवर्ल्ड के हैं। ऐसा करते हैं, इन्हें यहाँ फैक्ट्री लगाने देते हैं वरना वो सूर्य नगरी को अब बर्बाद कर देंगे। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इन अंडरवर्ल्ड वालों को तो मैं अंडरग्राउंड कर दूंगा। और मन तो कर रहा है आपकी इस गलती के लिए आपको भी ग्राउंड के 10 फीट अंदर डाल दूं। जय, हमें इसी वक्त उन गुंडों को यहाँ से भगाना होगा। चलो। अरे मालिक, लगता है अब से आपके अच्छे दिन गए। कहीं छोटू सेठ ने आपकी पोल खोल दी तो। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। छोटू सेठ का जहाँ मन करता है वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या? भले ही वो सूर्य नगरी हो या अंधेर नगरी। Huh?
वीरू का हाथ मिल जाए साथ तो बन जाए बात।